हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे माफ कर दो, क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ ये तुझे कभी भी नहीं पता चलेगा। कट। यार पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा है। राइटर ने इतना अच्छा इस सीन को लिखा है पर तुम दोनों इस सीन को उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। माफ कीजिएगा सर, एक और बारी कोशिश करते हैं। हाँ अच्छा विजय, तुम अपने डायलॉग के पॉज पे ध्यान दो, बहुत फास्ट बोल रहे हो। ओके ओके सर। अच्छा शीतल एक काम करो, तुम इस बार इधर से नहीं, तुम इस तरफ से भागो और वहां जाके गिरना। ओके चलो। ओके ओके चलो, गेट रेडी, रोल साउंड, रोल कैमरा। खिलाड़ी की कसम, सीन नंबर 150, शॉट 1, टेक 5, एक्शन। ए रुक जा, रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। नहीं, ए रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। कट। शीतल तुमने सब गड़बड़ कर दिया, तुम इतनी जल्दी क्यों गिरी? तुम्हें और भागना था। यार क्या बोलूं मैं, तुमने सब गड़बड़ कर दिया यार, और भागना था, इतनी जल्दी क्यों गिर गई तुम? सर वो पता नहीं आप पैर में आके कुछ अटक गया और दया अभी तक आया नहीं, आजकल अपने पुराने दोस्तों को भूल गया है वो। कैसे वक्त होगा सर, नए दोस्त बना लिए, लेके गए होंगे घुमाने के लिए कहीं। नए दोस्त मिल गए तो आदमी पुराने दोस्तों को भूल जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सर। अच्छा समझा नहीं, समझते सब हो फ्रेडी, ना समझी का नाटक मत करो, दया सर की बहुत तरफदारी करते हो तुम। अच्छा वो मैं समझ गया सर। समझ गया ना? वाह मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद इतनी बढ़िया कॉफी पीने को मिली है। अच्छा कॉफी अच्छी है, तो बिल पेमेंट कर देना यार। वैसे सर आपको मानना पड़ेगा, आप अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। तो फिर कहाँ लेके गए थे डॉक्टर तारिका को खाने पर? संयोग के बाद। अरे संयोग वो तो गया, और उसके जाने के बाद हम लोग खाने, तुमने सही कहा रजत, मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलता फ्रेडी, चाहे वो नए हो या पुराने हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर तारिका को भी यहाँ पे बुला लेते। क्यों क्यों? वो क्या है, सालूम के साहब का चेहरा देख देख के बोर हो गई होगी ना बेचारी। ये बात तो सही कही तुमने, लेकिन वो हैदराबाद गई है ना। हैदराबाद क्यों सर? राखी आ रही है ना, तो उनका कोई सगा भाई नहीं है, हैदराबाद में एक कजिन है तो उन्हीं को हर साल राखी बांधने जाती है। वैसे सर सगा भाई या सगी बहन ना होने का अकेलापन मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी कोई सगी बहन नहीं है ना, वैसे तो कोई कजिन भी नहीं है, बस एक मुंह बोली बहन थी गीता। ठीक, मतलब आप कहाँ हैं? सर बचपन में मेरी पड़ोसी थी, हर राखी पर मुझे राखी बांधा करती थी, फिर स्कूल के बाद मुझे हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना पड़ा, जब लौटा तो देखा कि गीता वहाँ से चली गई थी। सर तब से हर साल उसे राखी पर बहुत मिस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी, और तुम्हें भी उतना याद करती होंगी जितना तुम उन्हें याद करते हो। आप चिंता मत करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम दोनों को जल्द से जल्द मिला दे, इस बार की राखी आपके लिए खुशियां लेके आएगी। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूँ। लाश कहाँ पे? इस आदमी की उम्र 45 साल है और इसे मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए हैं। जी दो दिन से लाश पड़ी हुई है, किसी जानवर ने मारा है क्या इसे? हो सकता है, देखो इसके शरीर का मांस जगह जगह से खा लिया गया है। सर मैंने सुना है कि इस इलाके में कभी कभी शेर चीते आ जाते हैं, लेकिन वो इंसान पर ऐसे ही हमला नहीं करते, तभी हमला करते हैं जब उन्हें उकसाया जाए या किसी तरह परेशान किया जाए। तो हो सकता है ये उनका शिकार करने के लिए यहाँ पे आया, खुद शिकार हो गया। देखो इसके पास से कुछ मिलता है, कोई आइडेंटिटी वगैरह। यस सर।
जेबें खाली हैं सर। ना कोई आइडेंटिटी है, वॉलेट भी नहीं। वॉलेट नहीं है कहीं, ये खून लूटपाट के लिए तो नहीं हुआ? लुटेरों ने पैसे के लिए इसका खून कर दिया और फिर लाश की ऐसी हालत कर दी जैसे कि किसी जानवर ने खाया हो। अभिजीत, इसे जानवर ने खाया या ये किसी आदमी का काम है ये तो फॉरेंसिक लैब में ले जाकर के पता चलेगा। जाएं इसके शरीर की अच्छी तरह से जांच हो। ठीक है, वहाँ डॉक्टर तारिका भी हैं आपकी मदद के लिए तो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था सर। रजत, तुम देखो आसपास कुछ मिलता है क्या, तब तक मैं इधर थोड़ा। यस जी। तो आप शॉट के लिए वहाँ से भागते हुए इस तरफ आई और लाश से आपका पैर टकराया और आप गिर गई, है ना? जी सर। आपने बताया कि कई बार आप वहाँ से भागते हुए आई, बार बार भागना पड़ा आपको ना? जी सर, ये पांचवा टेक था। चार बार टेक हुआ मगर ओके नहीं हुआ। तो चार बार जब आप भाग के आई तो आपको ये लाश नहीं दिखाई पड़ी? सर, वो मुझे सर ने पहले उस तरफ से भागने को बोला था और बाद में फिर इस तरफ भागने को बोला, तो आखिरी टेक में मेरे भागने की दिशा ही अलग कर दी थी। आपने बोला? जी सर, मैंने कहा था मगर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लाश पड़ी है। कितने दिन से शूटिंग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर, जंगल में आज पहला और आखिरी दिन है। फिल्म का क्लाइमेक्स शूट कर रहे थे हम लोग और पता नहीं आज कुछ काम हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है इस हालत में और आप फिल्म में अटके हुए हैं। सर, ये ब्रेसलेट मिला सर, वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ था। लड़की का लगता है। आपका ब्रेसलेट है? नहीं सर। ये ब्रेसलेट कोई पहचानता है? जी नहीं सर। सर सर, हो सकता है ये ब्रेसलेट उस लुटेरे के हाथ से गिर गया। ये भी हो सकता है कि लूटने वाला कोई लड़की हो। अरे डॉक्टर तारिका, आप कब आई हैदराबाद से? बस अभी आई, करीब एक घंटे पहले। और आते ही सीधा लैब? क्या डॉक्टर साहब, इनको आराम करने दिया होता आप काम करा रहे? अरे यार, गलती हो गई। मुझे तो लगा अभिजीत, तारिका को तुम लैब में देख करके खुश हो गए यार। चलो भेज देते, तारिका तुम जाओ यार, आराम करो। नहीं नहीं, आ गई हैं तो रहने दीजिए। बड़ी खुशी हुई जान के कि आपको मेरी खुशी की कितनी फिक्र है। वैसे लाश के बारे में भी कुछ बता देते तो खुशी बढ़ जाती। हाँ, बढ़ाते हैं तुम्हारी खुशी। अभिजीत, इस आदमी की मौत जानवर के खाने से ही हुई। तो ये खून नहीं है? नहीं है, खून ही है, क्योंकि इस खून के पीछे इंसानी दिमाग है। पर सर, अभी अभी आपने कहा कि इनकी मौत किसी जंगली जानवर के खाने की वजह से हुई, पर इनकी मौत के पीछे दिमाग किसी इंसान का है? कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं समझाता हूँ। देखो श्रेया, बात ऐसी है कि जहाँ जहाँ पर इस लाश को जानवरों ने खाया है, काटा है, वहाँ वहाँ पर इसे हेमरेजिक स्टेनिंग हो गई है। हेमरेजिक स्टेनिंग? इसका मतलब जब वो जानवर इसे खा रहे थे उस वक्त ये जिंदा था। मगर तारिका, आमतौर पे तो जानवर इंसान को पहले मार के फिर उसके बाद खाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस केस में खूनी ने बहुत लंबी प्लानिंग की थी सचिन। पहले तो उसने केरोल बेनेट नाम का ड्रग दिया इसे, जिसे इसे लकवा मार गया और उसकी चलने फिरने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई। और फिर खूनी इसे बेसहारा ऐसे ही छोड़ गया जंगल में जंगली जानवरों के लिए। और जाते जाते क्या? जाते जाते क्या? जाते जाते खूनी ने इसकी कलाई भी काट डाली। कलाई में से खून बहने लगा और खून की गंध सूंघ कर जंगली जानवर आ गए इसे खाने के लिए। बड़ी बेरहमी से खून किया गया सर इसका। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुजरिम इंसान कहाँ होता है सचिन, उनका दिमाग तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर होता है, तभी तो इतने घिनौने काम करते हैं वो लोग। सर, ये तो पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई, कुछ और सुराग मिले जिससे कि इसकी पहचान हो सके और खूनी तक पहुंचा जा सके? खूनी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव? लाश के ऊपर से कोई दूसरा खून भी मिला क्या आपको? हाँ विजय, जब खूनी इसकी कलाई काट रहा था शायद उसकी उंगली भी कट गई होगी, इसीलिए खूनी का खून इसके कपड़ों पर आ गया। और कुछ पता चल सकता है? हाँ, इस आदमी की पहचान तक पहुँचने के लिए हमारे पास दो और सुराग है। एक तो कागज का छोटा सा टुकड़ा जो हमें इसकी जेब के एक कोने से मिला, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। तो फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि उस कागज पर क्या लिखा हुआ था? हाँ करेंगे, पता करेंगे। उस कागज को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा और फिर जो अक्षर मिट गए उन्हें अच्छी तरह से दोबारा उभारना पड़ेगा। और वो दूसरा सुराग? हाल ही में इस आदमी ने अपने बाएं घुटने की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? हाँ, और इसका कद करीब 5 feet 8 inches है। 5 feet 8 inches और उम्र 45 साल के करीब। फिर तो सभी हॉस्पिटलों से पता करते हैं कहाँ पे इस आदमी ने अपनी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराई है।
पता चल जाएगा कि ये आदमी है कौन। तो उस आदमी का नाम शेखर कुमार है जिसकी लाश हमें मरकटाला के जंगल में मिली। हाँ सर, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और आरबी रिसर्च सेंटर में काम करता है। आरबी रिसर्च सेंटर? हाँ सर। वैसे सर ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता क्या है? साइंस नहीं पढ़ी क्या? श्रेया बताओ। पंकज, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करता है, उस पर रिसर्च करता है। सर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? पंकज, सबसे छोटे जीव जंतु होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, समझ गए? सर तो फिर मैं किस श्रेणी में आता हूँ? तुम्हारी श्रेणी जरा अलग है। एक काम करते हैं, आरबी रिसर्च सेंटर में चल रहे हैं ना, वहाँ पे पूछ लेना। ओके सर। ओके, अब जरा जल्दी चलें। आइए सर। सर मैं इस रिसर्च सेंटर का हेड हूँ, प्रकाश, और ये लैब असिस्टेंट रंजीत, ये प्रिया। और आप? मैं गीता, शेखर की पत्नी। शेखर की पत्नी? लेकिन हमें तो बताया गया था कि शेखर अकेले रहते हैं, उनका कोई आगे पीछे है नहीं। दरअसल सर, कुछ समय से इनकी आपसी अनबन चल रही थी, लेकिन फिर भी सर दोनों में बहुत प्यार था। इनफैक्ट शेखर जी की लापता होने की रिपोर्ट गीता जी ने लिखवाई थी। सर जब आपने शेखर के बारे में मुझे बताया तो मैंने ही गीता को यहाँ बुलवा लिया। गीता जी, आपका दर्द हम समझते हैं, आप यकीन मानिए शेखर के खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्लीज उसे छोड़िएगा मत। क्या आप सबको किसी पर शक है, शेखर का कोई दुश्मन या? नहीं, शेखर सबके साथ मिलजुल कर काम करता था। आखिरी बार आपने शेखर को कब देखा था, कब मिले थे आप लोग? सर शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे वो यहाँ से गया था, और ये कहकर गया था कि कल 9 बजे आ जाऊंगा सुबह, लेकिन वो आया नहीं। सर कभी मरकटाला के जंगल का जिक्र किया था उसने बातचीत के दौरान? मरकटाला के जंगल? नहीं सर, कभी नहीं। जब शुक्रवार को शेखर यहाँ पर आए थे तो उनका बिहेवियर कैसा था, कुछ घबराए हुए थे, परेशान थे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, रोज की तरह ठीक ठाक ही थे। गीता जी, आप शेखर से आखिरी बार कब मिली थी? सर मैं तो बहुत वक्त से उनसे नहीं मिली हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और हमें अपना नाम और ब्लड ग्रुप लिखवा दीजिए। ब्लड ग्रुप? वो क्यों सर? कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है बस। पंकज, रंजीत ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, प्रकाश बी प्लस, बी पॉजिटिव, गीता ए बी पॉजिटिव। सर गीता जी, आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है? जी हाँ। ये ब्रेसलेट आपका है? हाँ, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला, मैं तो इसे कब से ढूंढ रही हूँ। ये हमें शेखर की लाश के पास से मिला है। गीता जी, आजकल ऐसी बहुत सी केसेस आती है हमारे सामने, कभी कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को मारता है तो कभी पत्नियां अपने पति का खून करती है। एक साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता एक जन्म तक वादा नहीं निभाते हैं क्यों, बस खून कर डालते हैं एक दूसरे का। सर मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने शेखर को नहीं मारा, हंसती खेलती जिंदगी थी हमारी और अचानक हम अलग हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेखर से इतनी नफरत करती थी कि मैं उनका खून कर दूं। लेकिन सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं गीता जी, और ये मत सोचिएगा कि आपके आंसुओं से हमारा दिल पिघल जाएगा। अगर आपको लगता है कि खूनी मैं हूं तो चढ़ा दीजिए फांसी। सर मैं वो गीता, इतने सालों पर? इतने साल मैं CID ऑफिसर बन गया। तुम भी CID में हो? हाँ। रजत तुम जानते हो इन्हें? हाँ सर, ये गीता है, मेरी मुंह बोली बहन। सर बहन? मुंह बोली बहन? तो फिर बेहतर होगा रजत कि तुम अपनी भावनाओं को इस केस के आड़े ना आने दो। मैं कुछ समझे नहीं सर। गीता शेखर की पत्नी है और शेखर का खून हुआ है, और शेखर के खून का इल्जाम गीता पर है। What? ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं गीता को बचपन से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेगी। रजत मैं भी कब से नहीं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग है कि मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे।
सर मैंने तो आपको बताया था ना गीता के बारे में, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? रजत, रिश्ते अपनी जगह हैं और ड्यूटी अपनी जगह है। फिलहाल सारे सबूत यही कह रहे हैं कि गीता ने शेखर का खून किया है। रजत, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, और मैं तुम्हारी झूठी कसम तो नहीं खाऊंगी ना। मैं जानता हूँ गीता, सर जरूर इसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी की सोची समझी चाल है। सर, सालुन के साहब की रिपोर्ट के हिसाब से शेखर के कपड़ों पे जो खून लगा था वो गीता जी का है। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं गीता जी, आपके जूतों पे जो मिट्टी लगी थी वो भी मरगडाला के जंगलों की है, जहाँ से शेखर की लाश मिली थी हमें। लेकिन सर मैं तो कभी उन जंगलों में गई नहीं। अगर मरगडाला जंगल में गई नहीं तो फिर वो मिट्टी कहाँ से आई आपके जूतों पर? और आपका खून AB पॉजिटिव, जो एक रेयर ब्लड ग्रुप है, वो खून कहाँ से आया शेखर के कपड़ों पर? सर पिछले हफ्ते मैंने रक्तदान किया था, हो सकता है ना कि गड़बड़ वहीं से हुई हो। रक्तदान कहाँ किया था ये रक्तदान? ZN के हॉस्पिटल। सर मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने गीता का ब्लड वहां से चुराया होगा और शेखर के कपड़ों पर डाल दिया होगा। और वो जूतों पर लगी हुई मिट्टी वो भी किसी और ने लगा दी? क्यों? और वो ब्रेसलेट जो शेखर की लाश के पास से मिला वो भी किसी ने डाल दिया? एक बात समझ में नहीं आती रजत, कि अगर कोई गीता को फंसाना चाहता है तो इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करेगा? गीता, तुम्हारा कोई दुश्मन है जो तुम्हें फंसाना चाहता हो? नहीं भैया, मेरी जहन में तो ऐसा कोई नहीं। सर हो सकता है शेखर का कोई दुश्मन हो जो उसका खून करके इल्जाम लगाना चाहता हो गीता पर। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उस खूनी को पकड़ के ही रहूंगा। गीता, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा। ये एक भाई का वादा है अपनी बहन से। आइए सर, आप लोग यहाँ रक्तदान के लिए आए हैं? नहीं, हम सबने पिछले महीने ही रक्तदान किया था। हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। CID से? पर बात क्या है सर? पिछले हफ्ते आपके अस्पताल में जो रक्तदान शिविर लगा था उसमें इस औरत ने रक्तदान किया था, इनका नाम गीता है। सर दरअसल हमारे हॉस्पिटल के लिए ये शिविर लोकप्रिय NGO ने आयोजित किया था, अगर इन्होंने रक्तदान किया था तो हमारे रजिस्टर में उनका नाम जरूर होगा। मैं अभी रजिस्टर चेक करके बताती हूँ। वैसे इनका पूरा नाम क्या है? गीता कुमार। ठीक है, मैं अभी देख कर बताती हूँ। हाँ सर, इन्होंने रक्तदान किया है। रक्तदान किया था? हाँ, पर क्या? पर उनका AB पॉजिटिव खून का पाउच हम तक पहुँचा ही नहीं। पहुँचा ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सर, हो सकता है NGO वालों से खून का पाउच गुम हो गया हो। गुम हो गया? सर कहीं रजत सर का अंदाजा सही तो नहीं है? हो सकता है। क्या नाम बताया इस NGO का? लोकप्रिय NGO। लोकप्रिय NGO, इनका ऑफिस कहाँ है? आपको लगता है सर शेखर के घर से हमें उनके खूनी का कोई सुराग मिलेगा? ये तो घर की तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। एक काम करो, तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। सर ये देखिए, शेखर जी की रिसर्च लैब, उनकी काम करने की जगह। देखो कुछ मिलता है क्या? छोड़ी, कुछ मिला? अभी तक तो नहीं सर। घर से नहीं कोई सामान चोरी हुआ है, ना ही हाथापाई के कोई निशान है। इसका मतलब शेखर को घर से नहीं कहीं और से अगवा किया गया। फिर तो सर हमें उस जगह पे सुराग ढूंढना पड़ेगा जहां से शेखर को अगवा किया गया था। मगर सवाल ये उठता है कि उन्हें अगवा किया तो किया कहां से? एक सेकंड, तुम्हारे सवाल का जवाब ये देगा। ये तो कैमरा है, एक वायरलेस स्पाई कैम। इसका मतलब शेखर जी पे कोई जासूसी कर रहा था। वही होगा वो खूनी। शड़ी, तुमने एक बात नोटिस की? क्या? इस स्पाई कैम का लेंस ठीक उस तिजोरी की ओर है। मतलब सर उस तिजोरी में जरूर कुछ ऐसी चीज है जो शायद इस जुर्म की जड़ है। देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है। इसे खोलेंगे कैसे? ये तो किसी एक्सपर्ट से ही खुलवाना पड़ेगा, और साथ ही ये भी पता लगवाना पड़ेगा कि ये स्पाई कैम किसने खरीदा और कहां से। सुनिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? क्या क्या बात है सर? ये कैमरा आप ही की दुकान से खरीदा गया था। दिखाइए सर, एक्सएल के 457D6। हाँ सर, आप लोग ठीक कह रहे हैं, ये कैमरा तो अभी मैंने ही बेचा था, करीब 10 दिन पहले। आपको याद है किसको बेचा था आपने? वैसे हर ग्राहक की सूरत पहचानना नामुमकिन है, लेकिन उस आदमी को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात थी उसमें? अरे बड़ा बदतमीज आदमी था, गाली देकर बात कर रहा था। आपको गाली दे रहा था? मुझे गाली देता तो धक्के मार कर बाहर ना कर देता दुकान से। वो जिससे फोन पे बात कर रहा था उसे गाली दे रहा था। अच्छा, फोन पे और क्या बात कर रहा था, कुछ सुना आपने? सर वो किसी जगह के बारे में बात कर रहा था। हाँ याद आया, विलास नगर। वो किसी से कह रहा था फोन पे कि विलास नगर आकर मुझसे मिलो। विलास नगर? अच्छा, उसने पैसे चेक से दिए थे या नगद? नगद दिए थे सर। चेहरा याद है उसका? थोड़ा थोड़ा सर। उसका नाम पता वगैरह लिया तो होगा ना तुमने? नहीं सर, नाम पता तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया तुमने? मालूम है ना तुम्हें, ऐसे कैमरे खरीदने वालों की डिटेल्स लेनी पड़ती है। सर मगर मैं जल्दबाजी में। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। फिलहाल ब्यूरो चलिए और उसका स्केच बनवाइए। ओके सर। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। पिछले हफ्ते आपने ZN के हॉस्पिटल के लिए एक रक्तदान का शिविर आयोजित करवाया था। वो तो हम अक्सर करते रहते हैं। तो हमें ये बताइए कि ये गीता जी क्या आपके यहाँ रक्तदान करने आई थी? देखकर बताता हूँ। हाँ हाँ, इन्होंने रक्तदान किया था। तो फिर इनके खून का पाउच हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पहुंचा कैसे? नहीं क्या, खून हॉस्पिटल नहीं पहुंचा? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, आपके एनजीओ में से किसी ने खून चुराया है। अच्छा, जब आप ये शिविर लगाते हैं तो कौन कौन लोग मदद करते हैं इसमें? सर कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनकी मदद से ये शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में खून का चोरी होना नामुमकिन है सर। तो अब लोग ये खून के पाउच अस्पताल भेजते कैसे हैं? हमारी वैन से जो ये काम करती है। कहाँ खड़ी है आपकी एनजीओ की वैन? ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा यहाँ। सर ये कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला, RB लिखा हुआ है इस पर। RB मतलब RB रिसर्च सेंटर। ये शेखर वहीं काम करता था। सर इसका मतलब कोई वहीं का है जो इस सारा का सारा खेल खेल रहा है। सर जब हम रिसर्च सेंटर गए थे तब रंजीत का लैब कोट थोड़ा सा फटा हुआ था। कहीं सबके पीछे उसी का हाथ तो नहीं? रंजीत? एक मिनट, में आया। आप लोग सर, खूनी मिल गया क्या? हाँ मिल गया, रंजीत नाम है उसका, और अगले 10 सेकंड में ये हाथ उसके गाल पे छपेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने शेखर को नहीं मारा। ये फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा तुम्हारी लैब कोट का है ना? हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? ये कपड़ा हमें एनजीओ की वैन से मिली थी, और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में तुम वॉलंटियर भी बने थे। हाँ मैं बना था। समाज सेवा करना तो अच्छी बात है ना सर? समाज सेवा की आड़ में गुनाह करते हो। गुनाह? हाँ, पहले तुमने गीता का खून चुराया और फिर हमें गुमराह करने के लिए वहाँ शेखर के लाश के पास डाल दिया और वहाँ पे वो ब्रेसलेट फेंक दिया। क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं सर? शेखर मेरे भाई जैसा था, मैं भला उसे क्यों मारूंगा सर? हमने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली है। शेखर को पता चल गया था कि तुम इस रिसर्च सेंटर से दवाइयां चुराते थे, कालाबाजारी करते थे उनकी, और उन्हें ऊंचे दाम में बेचते थे दूसरे हॉस्पिटल्स में। और जब शेखर ने तुम्हें धमकी दी जो सबके सामने तुम्हारे काले कारनामे की पोल खोल देगा, तो तुमने उसे ऊपर पहुंचा दिया। सर ये बात सही है कि मैंने रिसर्च सेंटर के साथ धोखा किया है, लेकिन खून जैसा बड़ा और गंभीर अपराध करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। अच्छा, शुक्रवार रात कहाँ थे तुम? शुक्रवार की रात को मैं दिल्ली में था सर, अपने दोस्त की शादी की शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए कहाँ गए थे तुम? सर वैलेंटाइन बुटीक। वैलेंटाइन बुटीक?
सर। सर रंजीत सच कह रहा है, जिस वक्त शेखर का खून हुआ उस वक्त वो वाकई दिल्ली में ही था। वैशाली नगर के वैलेंटाइन बुटीक में शॉपिंग कर रहा था। रंजीत दिल्ली में ही था? तो फिर अगर रंजीत ने नहीं फंसाया तो फिर गीता को फंसाया किसने? सर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको भी अब लगता है कि गीता निर्दोष है। तो जब तक असली मुजरिम पकड़ में नहीं आता मैं हर किसी को शक की नजर से ही देखता हूँ। सर उस कैमरे की दुकान वाले ने स्केच बनवा दिया सर। बड़ा चटा हुआ बदमाश लगता है ये। कंप्यूटर में चेक किया? हाँ सर, मैच करा के देखे लेकिन मैच नहीं हुआ। लगता है कोई नया खिलाड़ी है सर। सर शायद ये सिर्फ कोई मोहरा ही है जिसे असली खूनी ने पैसे दिए होंगे शेखर के घर में कैमरा फिट करने के लिए। सर हाँ अभिजीत तिजोरी खुल गई? हाँ सर तिजोरी भी खुल गई और उसके अंदर का खजाने का भी पता चल गया। सर ऐसा क्या था उस तिजोरी में? शेखर के रिसर्च पेपर। सर शेखर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मोंडी लुबिटियस पे रिसर्च कर रहा था। ये वायरस से होती है। शेखर ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला। मोंडी लुबिटियस, इस बीमारी का नाम सुना है सर, इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं था। तो फिर अभिजीत इस दवाई की वजह से ही शेखर का खून हुआ है। इस दवाई की वजह से ही। और कोई तो था जिसे शेखर के इस दवाई की रिसर्च में दिलचस्पी थी। शायद उसी आदमी ने उस तिजोरी के बिल्कुल सामने कैमरा फिट कर दिया और जब शेखर इस दवाई बनाने में कामयाब हो गया तो उसने शेखर को खत्म कर दिया। सर हो सकता है खूनी ने दवाई भी चुरा ली। क्या बात है भाई, बड़े खामोश हैं आप लोग। कोई गुत्थी उलझ गई है क्या? नहीं सर, बल्कि सुलझ गई। हम खूनी के काफी करीब पहुंच गए सर। वेरी गुड, और नजदीक पहुंचा देते हैं। बस ये है वो कागज जो मैं उस लाश की जेब में से मिला। HOLAD होटल या हॉस्पिटल हो सकता है। सचिन चेक करो कंप्यूटर में। सर ये देखिए सर, शायद ये होटल ग्लैड सर्कल है। होटल ग्लैड सर्कल ही है। होटल ग्लैड सर्कल विलास नगर में है। उस कैमरे की दुकान वाले ने कहा था कि उसने इस आदमी को फोन पर विलास नगर का जिक्र करते सुना था। तो फिर अभिजीत पता लगाओ इस होटल ग्लैड सर्कल में हुआ क्या था। विलास नगर, होटल ग्लैड सर्कल। आज मेरी वाइफ का उपवास है, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? अरे वो रेस्टोरेंट में आया ना, इसीलिए भूख लग गई। घर में भाभी भूखी है और तुम्हें खाना खाना है, घर जाके खाना। जी कहिए। क्या के मैनेजर हैं? जी हाँ मैं ही हूँ, कहिए। हम लोग CID सर। अरे CID वाले हमारे यहाँ खाने पे आए, ये तो हमारे होटल वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं नहीं एक्चुअली हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए, एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आए हैं। अब जरा ये फोटो देखिए, ये आदमी 2 दिन पहले आपके यहाँ खाना खाने आया था कि? सर यहाँ तो पता नहीं कितने लोग आते जाते रहते, अब ये कैसे पता लगेगा कौन आया और कौन गया? CCTV कैमरा के जरिए उसका फुटेज देख सकते हैं। जी सर आइए। जी आइए। जरा परसों की फुटेज दिखाइए आप। जी सर। सर शेखर के पास वालों ने कहा था ना कि वो ऑफिस से 7 बजे निकला था, तो यहाँ 8:15 बजे पहुंचा होगा। 8 बजे के करीब ही दिखाइए। जी सर। ये आया शेखर 8:12 पे। सर शेखर के साथ जो दूसरा आदमी बैठा है वो है कौन? उसकी शक्ल तो दिख नहीं रही है। थोड़ा फॉरवर्ड करो, शायद इधर उधर देखे तो शक्ल दिखाई पड़ जाए। जी सर। सर शेखर तो गुस्से में उठ के चला गया, शायद उसकी बहस हुई उस आदमी के साथ। इस आदमी के साथ बहस हुई और यहाँ से वो गुस्से में निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। हो सकता है इस दूसरे आदमी ने काम तमाम कर दिया शेखर का। एक मिनट पॉज करो। जी। यहाँ पे जूम करना थोड़ा और, थोड़ा और। या।
देखा राजे? यस सर। ये घड़ी कुछ जानी पहचानी लग रही है। कौन है इसको? हेलो हेलो जी, कहिए। हम लोग सीआईडी से, प्रकाश जी अगर पे साहब तो बाहर जाने वाले और जल्दी में भी है। आप लोग आई एम सॉरी, लगता है हम लोग गलत वक्त पर आ गए। आप शायद कहीं बाहर जाने वाले थे। जी तुम अंदर जाओ। जी कई दिनों से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी थी, तो एक अच्छी सी फिल्म लगी, मैंने सोचा देखा था। अरे वाह प्रकाश जी, आपके एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट की मौत हो चुकी है और आप फिल्म देखने जा रहे हैं। देखिए सर, शेखर की मौत का गम मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। ये बात तो है। वैसे आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको फिल्म दिखाएंगे। फिल्म? फिल्म का नाम है शेखर की मौत। शेखर की मौत? जी हाँ, और फिल्म का हीरो है शेखर, जो मारा जाता है। और मारने वाले का नाम यानी कि विलेन का नाम है प्रकाश, यानी आप। समझ में नहीं आ रहा है आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं। अरे आप सीआईडी से, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाते जाएं। हम बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आप पर। आप शेखर की जासूसी कर रहे थे ना? जासूसी? हाँ जासूसी, ये कैमरा सबूत है इस बात का। क्या ये वो क्या जबान क्यों लड़खड़ाने लगी तुम्हारी? सर ये सच है कि मैंने शेखर की जासूसी की थी, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैंने उसे मारा नहीं। अगर आपने उसे मारा नहीं तो फिर उसकी जासूसी क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसने एक खास वैक्सीन का आविष्कार किया था, अगर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता अरबपति बन जाता। लेकिन शेखर के लिए दौलत से ज्यादा मायने रखता था देश प्रेम। वो अपना ये वैक्सीन भारत सरकार को देना चाहता था। विदेशी कंपनियों को अपने देश की धरोहर बेचकर वो अपनी तिजोरी नहीं भरना चाहता था। जी हाँ, उसकी यही आदर्शवादी विचार मुझे पसंद नहीं थे। देश से प्रेम मैं भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बारे में सोचना छोड़ दें। और आपने अपने बारे में सोचा। आपने पहले शेखर की जासूसी की, फिर उसका फॉर्मूला हथियाया, और जब आपका काम हो गया तो आपने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शेखर मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि आप उसका फॉर्मूला हथियाना चाहते थे। उससे समझौता करने के लिए आपने उसे होटल ग्लैड सर्कल में बुलाया, लेकिन जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपने उसे खत्म कर दिया। देखिए सर, ये सच है कि मैं उससे वहां मिला था, लेकिन उस मुलाकात के बाद मैं होटल क्लॉकवुड में चला गया। होटल क्लॉकवुड? जी। क्या करने गए थे आप? सर ऐसी ड्रिंक्स लेने। सॉफ्ट ड्रिंक्स? सर मैं वहाँ शराब पीने गया था, मुझे ज्यादा चढ़ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना होटल में चेक इन कर लूं। मैं वहीं रुक गया, रात भर वहीं था। कहानियां तो नहीं बना रहे हो? देखिए सर, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको सच सच बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप होटल क्लॉकवुड में फोन कर लीजिए। फोन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं रात को वहाँ था या नहीं था। दैट्स इट। बिल्कुल पता करेंगे। आपके पास होटल का नंबर है? जी है। दीजिए। ये लीजिए। होटल क्लॉकवुड, सीनियर इंस्पेक्टर रजत सीआईडी से। अच्छा, 3 दिन पहले आपके यहाँ प्रकाश जी ठहरने आए थे? हाँ भाई, आरबी रिसर्च सेंटर के हेड आए थे। ठीक है, थैंक यू। मतलब प्रकाश जी सच बोल रहे? पूरा सच नहीं बोल रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया सर। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि शेखर के घर में ये कैमरा किसने फिट किया था। सर ये कैमरा गुल्लू की मदद से फिट किया था। गुल्लू? जी। कौन गुल्लू? जी वो चोरी के इल्जाम में 2 हफ्ते से जेल में। सर लगता है इनकी कहानियां खत्म नहीं होने वाली है। एक काम करते हैं, इनको ब्यूरो ले जाते हैं, वहीं सुनेंगे इनकी कहानियां। सर ये प्रकाश बिल्कुल सच कह रहा है सर, गुल्लू 2 हफ्ते से जेल में है। अरे अगर प्रकाश ने शेखर को नहीं मारा तो फिर कौन हो सकता है जिसके पास शेखर को मारने की वजह थी? ये अशोक सर, शेखर को मारने की सबसे बड़ी वजह इसी के पास थी। अशोक कौन है ये? सर शेखर रिसर्च फील्ड में आने से पहले एक सर्जन था जीडी हॉस्पिटल में। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑपरेशन किए, लेकिन एक ऑपरेशन असफल रहा। 19 जून 2003 में इसने एक ऑपरेशन किया 10 साल पहले, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में ही औरत दम तोड़ दी, और वो भी इसकी लापरवाही की वजह से। और इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा इस शेखर को कि इसने ये फील्ड ही छोड़ दी। उसके बाद इसने माइक्रोबायोलॉजी पर रिसर्च शुरू कर दी। और उस औरत का पति है ये अशोक।
काफी बड़ी वजह है अशोक के पास शेखर को मारने की। पर ये 10 साल तक चुप क्यों बैठा रहा? उठाओ इस अशोक को। जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से। अशोक जी हैं घर पर? आप अशोक जी से मिलने आए हैं? हाँ, मगर आप ये किस लिए पूछ रही है? नहीं बस थोड़ी सी हैरानी हुई, ज्यादातर उनसे कोई मिलने नहीं आता इसलिए। अच्छा, खैर हम उनसे मिलना चाहेंगे। आइए। ये अशोक जी? हाँ ये है अशोक जी। ये ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, बस ऐसे ही पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं। क्या बीमारी क्या है ना? लीवर डिजीज लास्ट स्टेज। इनके घर वालों में से कोई इन्हें मिलने नहीं आता? इनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, एक दूर का रिश्तेदार है वो कभी कभी आ जाता है। सर कहीं ये दूर का रिश्तेदार तो नहीं है इन सब के पीछे? हो सकता है। हाँ गीता। भैया मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे मारना चाहता है। मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? तुम फिक्र मत करो, मैं भी वहां आता हूँ। कहाँ तुम? मॉल के पास। कौन से मॉल के पास? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। मोबाइल स्विच ऑफ। फ्रेडी जल्दी चलो। कैसे पता चलेगा सर गीता जी ने कौन से मॉल के पास से फोन किया था? शहर में तो 30-40 मॉल है। अभी पता चल जाएगा फ्रेडी। गीता का मोबाइल नंबर इस टैब में फिट करो, देखो क्या लोकेशन बताता है। सर गीता जी का मोबाइल मॉल से आगे निकल गया। मॉल से आगे निकल गया? हाँ सर। कहाँ? शहर से दूर पनवेल हाईवे की तरफ। पनवेल हाईवे की तरफ? अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ? गीता जी का मोबाइल ट्रेस होना बंद हो गया। ट्रेस होना बंद हो गया? हाँ सर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी को फोन करो, देखो वो ट्रेस कर पाते हैं कि नहीं। बचाओ, कोई है, बचाओ, सर, सर, कोई है, बचाओ, 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 कोई है, कोई है, कोई है, हेल्प, हेल्प, कोई है, बचाओ। कौन हो तुम और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुम भी उसी वजह से मरोगी जिस वजह से मैंने शेखर को मारा था। तुम लड़की हो, शेखर को क्यों मारा तुमने? शेखर को तो मरना ही था, लेकिन अब तुम भी मरोगी। रुक जा, चाकू नीचे करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया तुम अपनी गन नीचे करो वरना इस साल राखी पे तुम्हारी कलाई सूनी की सूनी रह जाएगी। अगर गीता को कुछ भी हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हश्र करूंगा मैं। चाकू नीचे। इससे तो मुड़ना ही होगा। चाकू नीचे, फेंक दो चाकू। ससुराल जाने से पहले अपना घूंघट तो उतारो। शेखर ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें नौकरी दी और तुमने शेखर को ही मार दिया। हाँ मैंने ही शेखर को मारा और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। भागती कहाँ हो? बोलो क्यों किया तुमने ये सब? अरे जो भी कुछ किया अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया। माँ की मौत का बदला? सिर्फ 10 साल की थी जब ऑपरेशन थिएटर में मेरी माँ ने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया, सब उस शेखर की वजह से। ओ, तो तुम अशोक की बेटी हो? हाँ। शेखर 2 दिन से सोए नहीं थे, वो ऑपरेशन करने की हालत में भी नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और इस बात के लिए मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। अरे तो फिर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस बात का कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि मैं आप लोगों को बताऊं। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, अब
ना तो वो चल फिर सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। इसलिए तुमने शेखर का खून कर दिया और गीता को फंसाने के लिए उस एनजीओ वैन से उसका ब्लड पाउच चुराया और शेखर के कपड़ों पे डाल दिया। गीता का ब्रेसलेट भी तुमने उसकी लाश के पास छोड़ दिया। इतना ही नहीं, गीता के जूतों में जो मिट्टी मिली वो भी तुमने ही लगाई थी। और रंजीत को फंसाने के लिए उसके कोट के कपड़े का टुकड़ा वहाँ एनजीओ वैन में छोड़ दिया, क्यों? मैंने सब कुछ किया। माना कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक गलती की सजा एक और गलती नहीं होती। तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी ये सोच के कि उनकी वजह से उनकी अपनी बेटी एक खूनी बन गई। तुम्हें एक बार भी अपने बीमार पिता के बारे में नहीं सोचा? अगर अदालत तुम्हें फांसी देती है तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं बदले की भावना में अंधी हो गई थी। शेखर का खून किया तुमने और तुम्हें सजा तो होकर रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आज आप लोग सब नहीं होते तो या तो मैं जेल में होती या जिंदा ही नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे पूरा यकीन था कि तुम बेगुनाह हो और सीआईडी के रहते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा हो ही नहीं सकती। ये बात तो है। अरे भाई रजत, इतने दिनों बाद तुम्हारी बहन तुम्हें मिलने आई है, तो कुछ मिठाई विठाई नहीं खिलाओगे? खाओगे खिलाओगे कुछ भी? लेकिन अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं पहले अपने भाई को राखी बांधूं। अरे इसमें एतराज की क्या बात है, भाई की कलाई पर राखी बांधना तो हर बहन का अधिकार है, प्लीज। और राखी बंधवाने के बाद अपनी जेब खाली करना हर भाई का अधिकार है। नहीं जानती मैंने इस पल का कितने सालों से इंतजार किया। हमेशा खुश रहो, हंसती रहो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर जाए। और याद रखना, जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। भगवान करे सब बहन को आपके जैसा भाई मिले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.